नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो हम लोग अभ्यास एक के स्टेप फाइव पे डिस्कशन कर रहे थे। स्टेप फाइव में हम अपने भाव के निर्णय के आधार को देखने का अभ्यास कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोग कल एक असाइनमेंट भी लिया था कि आधार समझ है या मान्यता, पहले तो इसको देखना है, और क्या मान्यता हमारे अंदर बनी हुई है जो संस्कार का रूप ले ली है, उसको मानकर अभी हम निर्णय ले रहे हैं, उसको देखना है और अपने गहरे गहरे संस्कारों को देखने का अभ्यास करना है। इस काम में समय लगाने की जरूरत है। ये चलते फिरते बात करते भी हो सकता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं देख पाते, तो इसको इत्मीनान से बैठकर भी अपने आप में देखना है। किसी अपने पुराने व्यवहार में ही जो हमारा भाव रहा, उस भाव के पीछे क्या संस्कार रहा, उसको अपने आप में बारीकी से देखने की जरूरत है। जो हमारी स्थिति रही, कहीं हम इरिटेट हुए, परेशान हुए, गुस्सा हुए, अल्टीमेटली वहाँ पे मेरी क्या मान्यता, क्या संस्कार रहा है, उसको अपने आप में बारीकी से देखना है। ये स्टेप फाइव काफी इम्पोर्टेंट है। जब निर्णय का आधार है, यदि कोई मान्यता है और हमारे अंदर गहरा संस्कार का रूप ले लिया है, तो बीज रूप में पड़ा रहता है और अपने आप में हमें दुखी परेशान करता रहता है ना, इरिटेट करता रहता है, अनकम्फर्टेबल करता रहता है, और फिर उसी डिस्कम्फर्ट के साथ, उसी इरिटेशन के साथ हम विचार करते रहते हैं और उसी में फिर हम व्यवहार भी कर जाते हैं। जब व्यवहार करते हैं तो पता लगता है, देखो रिएक्शन किया हमने, हमने गलत व्यवहार किया, बट उसके बीज को हम नहीं देख पाते और फिर विचारों में ही कुछ ना कुछ अपने ऊपर डूज एंड डोंट्स लगा देते हैं कि ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, या कई बार अफसोस भी करते हैं कि देखो हमने कैसे रिएक्ट कर दिया, कैसे गुस्सा कर दिया, कैसे बोल दिया, बट उसके आधार में जो बीज है उसको हम नहीं देख पाए, तो वो बार बार होता रहता है। जैसे कोई रोग अंदर पड़ा हुआ है और वो फूट फूट के बाहर आ रहा है, जब फूट के बाहर आता है तो देखता है कि देखो चमड़े पे कैसा रोग आ गया है ना, इसको दूर करो, तो हम उसका सफाई कर डालते हैं। परंतु जो बीज रूप में रोग पड़ा हुआ है उस पर अगर हम काम ना करें तो फूट फूट कर हमारे चमड़े से बाहर आता ही रहेगा। वैसे ही है कि जो गहरी गहरी मान्यताएं हैं जो संस्कार का रूप ले ली है ना, वो फूट फूट कर हमारे विचार में, भाव में, व्यवहार में आते रहते हैं। जब एक्सप्रेशन में आते हैं तब तो हमको उनका होश होता है, परंतु बीज रूप में हम उनको देख नहीं पाते। ये करने योग्य काम है, इसको हम सभी करें, समय लगा कर करें। अलग से भी समय लगाएं तो बहुत अच्छा है। इसके लिए आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में बैठे हैं, वहाँ पे अपने ऊपर ध्यान दे दिए, कॉलेज में है, थोड़ा समय है, लंच के बाद समय मिल गया, क्लास के बाद समय मिल गया, अकेले में कहीं बैठे हैं, अपने ऊपर समय लगा दिए, तो जिस तरह से हमने भाव को देखने का अभ्यास किया था उसी तरह से अब भाव के पीछे संस्कार को देखने का अभ्यास करना है और अपने संस्कारों की एक सूची बना लेने की, देखो इस तरह से हमने माना हुआ है कि नहीं, फिर उसको लौट लौट के देख सकते हैं कि ये संस्कार से निवृत्त हो पाए क्या, ये अभी भी माना हुआ है। आप पाएंगे उसके लिए हमने बहुत सारा जस्टिफिकेशन भी अपने अंदर बना के रखा होगा, तो कोई हमने मान्यता बनाई है, उस मान्यता के आधार पर हमारे अंदर भाव विचार बन रहा है, उसके आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं जीने के। और अगर पता भी लग जाता है कि यहाँ कुछ हमने माना हुआ था, परंतु हम उसके लिए फिर सहमत नहीं हो पाते हैं, हमको लगता है हमको जस्टिफाई करना जरूरी है इसको, तो हो सकता है हमारे अंदर किसी के प्रति विरोध बना हुआ है, हमने विरोध को जस्टिफाई किया हुआ है अपने आप में, बात हम सुन रहे हैं कि हाँ विरोध का भाव स्वीकार नहीं है, संबंध का भाव स्वीकार है, परंतु वो संस्कार में बना हुआ है कि यहाँ तो विरोध ही चलेगा। मैंने कभी सोचा उसको अभी 24 घंटे पीछे कैसे कैसे बीते हैं कैसे, तो उससे मैं यही सोचा कि एक तो हमारी समझ अपनी खुद की है ही है, जो हम सोचते हैं उसमें निर्णय लेते हैं, कुछ तो हम तत्कालिक उसी समय लेते हैं और कुछ हमारा पीछे से पहले से ही माइंड बना होता है कि जो मान्यता है कि ये ऐसा चल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी तत्कालिक समझ है, जो उस समय हम देख रहे हैं, वो अभी वो थोड़ा यही तो सुधार लेते हैं। हाँ, हमारी समझ बनी हुई है, तात्कालिक समझ है, अब उस समझ सब का वहाँ प्रयोग ना करें। हमारी कोई मान्यता बनी हुई है, है ना, हमारी कोई विचार बना हुआ है, इतना कहें, समझ बना हुआ ऐसा ना कहें। जी नहीं, उसमें तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोगों से जब रूबरू होते हैं किसी भी काम में, किसी चीज में, तो मैं ये अपने आप ये नोट कर लेता हूँ कि जो मेरे से छोटे हैं या जिनको ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं किसी काम की, हम लोग अलग स्टूडेंट्स वगैरह को, तो उन पे कई बार जब गुस्सा आ जाता है
जो वो कुछ ऐसा करते हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए, हमें लगता है कि इनको ये नहीं करना चाहिए, हमें उनको बार बार समझा रहे हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन वही अगर हम सीनियर्स को देखें और सीनियर्स को भी ये पाते हैं कि वो ये चीज़ नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यह टॉप डाउन अप्रोच चलती है, बच्चों को सुधारना या कोई भी चीज़ ऐसी चीज करनी है तो वो ऊपर से मैनेजमेंट डिसाइड करेगा तब बच्चों पे, तो वो थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा सा अटकल रहती, तो हम ऊपर जो है उनके प्रति हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं नर्म से कि चलो वो डिसाइड ऐसे कर रहे हैं, तो यही चीज है। तो जो हमारी अपनी जब उस समय हम समझ लगाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि छोटे बच्चों के प्रति तो हमें गुस्सा आ जा रहा है, लेकिन जो ऊपर सीनियर है वहां थोड़ा सा हम कूल होके हो जा रहे हैं, ये थोड़ा सा अवश्य है कि तो फिर हम सोचते हैं कि जब बड़ों के साथ ऐसा है तो छोटों के साथ सबके साथ सम रहें, और जब मैं सम रह रहा हूँ तो रियली मुझे मेरा टाइम जो है ना कुमार भैया जी बहुत आराम से बीतता है, बिना टेंशन के, ऐसा लगता है कोई चिंता ही नहीं है, जो चल रहा है वो सही अच्छी तरीके से चल रहा है और उसमें बढ़िया है, उसमें जितना हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर दें, ये चीजों पे ज्यादा फोकस रह रहा है। धन्यवाद भैया, यही कहना है, कुछ आपको बता तो इसके बारे में। हाँ, ये आपको ही ऑब्जर्व करना होगा, कई बार क्या होता है कि हमारे पास समाधान नहीं होता तो हम आंख मूंद लेते हैं कई जगहों पर, और हमको लगता है हाँ अब तो सब ठीक ही है, तो ये आंख मूंद लेना यानी कि उस पर ध्यान हटा देना ये भी अपने आप में समाधान नहीं है। तो हम ये भी देखें कि बच्चे के साथ भी हमारा भाव ठीक बना रहे हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी हमारा भाव ठीक बना रहे हैं, और यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसका मूल्यांकन भी करेंगे और उस गलती को सही में कैसे परिणत करें इसके लिए काम भी करेंगे, अगले का ध्यान भी दिलाएंगे, है ना, ये भी हम अपने आप ध्यान में बनाएंगे। हाँ, सर, वो उस चीज को ध्यान हटाएंगे और इग्नोर करेंगे जी। हाँ, जैसे हम सीनियर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऐसे ऐसे ये दिक्कत होगी, इसमें ये चीज है, इसको ऐसे अमेंडमेंट हो जाना चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर है, लेकिन बच्चों के सामने हम लोग समझाते हुए थोड़ा ज्यादा से हम लोग वो हो जाते हैं ना, तब वो सोचते दोनों तालमेल अच्छा तरीके से बनाया जाए ना, कोऑर्डिनेशन, ताकि अपने पे फर्क ना पड़े। क्योंकि अभी पीछे जो है काफी टाइम पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले की वो शिकायत वगैरह हो गई थी बीपी वगैरह की, उसके बाद फिर कूल हो गया। अभी शाम का जो प्रोग्राम फ्राइडे का चलता है वो इतना अच्छा मेरे को लगता है, कुमार भैया जी उसमें हेल्थ से रिलेटेड बताते हैं और वो बहुत बढ़िया लगता है पूरी पूरे जो है। और अभी इसको और ऑब्जर्व करें, कुछ और चीज ओपन अप होगी, तो इसको हम अपने आप में देखने का अभ्यास करें। तो हम लोगों ने एक दिन में पूरी तरह से अपने आप को ऑब्जर्व करने का अभ्यास किया कल, और ये देखना था कि मेरे भाव का निर्णय का आधार क्या है, सही समझ या मान्यता, क्या मुझे सही समझ की आवश्यकता दिखती है, अपने भावों को सही समझ के आधार पर तय करने की आवश्यकता दिखती है, इसको अपने आप में निर्णय लेना था। सर कल मैंने अपने आप में ये देखा, समझ आई कि जो मेरे पास थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन गई है UHV की, तो उसमें मैं अपने आप को ज्यादा ही समझदार समझने लगी तो ये मेरे जो भाव आए वो मेरे को ऐसा लगता है मेरे संस्कार में थे क्या, कि ये मेरे को करना नहीं चाहिए था। बहुत देर तक मैंने इसको डिस्कशन करा अपने आप में, डायलॉगबाजी करी कि मैं कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझदार समझने लगी, इसको कैसे मेरे को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अभी तो इन्फॉर्मेशन ही आई है जी। अपने प्रति सजग रहे, है ना, ये जो हम अपना कई बार अधिमूल्यन कर लेते हैं और वो पूरा नहीं तो फिर अवमूल्यन कर लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि अपने भाव के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति सजग रहें, तो हम दूसरे का सम्मान भी ठीक ठीक तभी कर पाते हैं जो अपना सम्मान कर पाते हैं। ठीक है सर, दूसरे का सही भी तभी कर पाते हैं, सुन लीजिए जी, तो प्रश्न बना रहे, दूसरे का सही आकलन भी हम तभी कर पाते हैं जो अपना सही आकलन कर पाते हैं, उसी क्रम में तो सारा अभ्यास कर रहे हैं। अभी तो एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें हमको दिख जाती हैं अपने बारे में हो या दूसरे के बारे में, परंतु भाव के स्तर पर जाके, संस्कार के स्तर पर जाके नहीं दिखती, इसलिए ये स्टेप्स हैं इसको ठीक से पूरा करने की जरूरत है। मेरा एक्सपीरियंस भी है और एक क्वेश्चन भी है उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड। सर कई साल पहले हमारे यहाँ मेड थी और उनकी एक छोटी बेटी थी, और कई सालों से आ रही थी, मुझे बहुत विश्वास था उन पे, और फिर मुझे पता चला कि जैसे बच्चों ने बताया कि छोटी छोटी चीजें गायब हो रही हैं मम्मी, तो मतलब मैंने ऑब्जर्व भी किया कि जब भी उनकी मदर आती थी या तो कुछ ना कुछ गायब होता था,
तो ऐसे करके उन्होंने काफी साल तक काम किया, आई थिंक 10 साल तो शायद किया ही। तो ऐसा हुआ कि मेरे अंदर वो वाली मतलब एक एजम्पशन ये हो गया कि विश्वास खत्म हो गया, मिसट्रस्ट वाली फीलिंग जो है ना वो इतनी ज्यादा घर कर गई कि अब कोई भी मेड होती है, अब चेंज होती रहती है जैसे, तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। कोई भी चीज मिसप्लेस होती है, गुम नहीं होती है, मिसप्लेस होती है तो मैं मेरे एकदम से मैं बोलती हूँ वो ले गई होगी, उसने उठा लिया होगा, तो बच्चे, और फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो चीज मिल जाती है। तो बच्चे अब जो हैं, जैसे ही मैं बोलती हूँ, बच्चे कहते हैं कि आप तो बहुत ही वो हो गए हो, मतलब किसी पे विश्वास नहीं करते हो, किसी मेड पे। इस चीज को मतलब मैं कैसे डील करूं, मैं मिस्ट्रस्ट करना नहीं चाहती, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हुए, छोटी छोटी चीजें, बच्चों की ड्रेसेस, कभी मम्मी के पर्स से पैसे ऐसे करके निकल गए, तो नाइस टू सी यू जी। मतलब ऐसा बन गया अब कि मैं नहीं कर पाती ट्रस्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे मतलब अलर्ट रहूं, लेकिन मैं अपने भाव को ठीक रखूं, तो ऐसे चलाऊं मैं अपने आप को, या प्लीज गाइड मी क्या करना चाहिए मुझे इस। ये जो है ना, पहली बात तो ट्रस्ट को हमको समझने की जरूरत है। ट्रस्ट होता क्या है? तो हमको ये दिखता है कि हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, सुखी जी करना चाहता है, जी समृद्ध होना चाहता है, समृद्ध करना चाहता है, परंतु उसको कहीं सुविधा का अभाव लग रहा है, तो अपने आप में समृद्धि का भाव नहीं है, तो फिर वो इस तरह की हरकतें कर सकता है। वो ये भी हो सकता है, हमको अपने इन पे देखना होगा कि हमारे अंदर इस समृद्धि का भाव सुनिश्चित हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा हो सकता है हम घर में बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं जो अगले व्यक्ति को दिख रहा है। तो एक तरफ उसको दिख रहा है कि मैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, शरीर के लिए जो सुविधाएं हैं, आवश्यक सुविधाएं हैं, उसकी व्यवस्था भी नहीं कर पा रही हूँ, और यहाँ देखो संग्रह पे संग्रह हुआ जा रहा है। ठीक, और उसका कारण भी उसको ठीक से स्पष्ट नहीं होता कि ऐसा क्यों है कि मेरे परिवार में तो आवश्यक सुविधाएं भी ना हो और किसी परिवार में इतना ज्यादा संग्रह हो, उदाहरण के लिए, जिसका जी उसके पास समाधान नहीं है ना। उसको जी लगता है ठीक है, इसका अगर कोई आवश्यक सुविधा हमारे घर में चाहिए तो एक तरीका है कि श्रम पूर्वक उसको पूरा करो, नहीं तो ये जो बेकार में लोग संग्रह किए हुए हैं उसमें से कुछ हिस्सा ले लो। वो इस तर्क के साथ है ना, या इस संस्कार के साथ वो फिर निर्वाह करता है। तो ये तो कॉम्पिटेंस का मुद्दा है उसके, है ना, विचार का, उसके भाव का, उसके संस्कार का मुद्दा है। इसमें उसके चाहना कहीं गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको शोषण करना चाह रहा है या आपको दरिद्र बनाना चाह रहा है, परंतु उसके अंदर समृद्धि का भाव नहीं है, और साथ में उसको दिख रहा है कि हो सकता है अगले के अंदर भी समृद्धि का भाव नहीं है। समाज में विषमता इतनी सारी बनी हुई है, शोषण संग्रह चल रहा है, जिसका उसके पास बहुत सारा तर्क हो सकता है गलत ठहराने का। हमको उसकी फिर जो पूरी कल्पनाशीलता समझ में आती है, तो हम उस व्यक्ति को अगर हम रख भी रहे हैं तो हमको ये बात पहले से स्पष्ट है कि उसके यहाँ परिवार में सुविधा का अभाव है, हमारे यहाँ परिवार में बहुत सारा संग्रह है। तो अगर हमारे अंदर समृद्धि का भाव होगा तो हम उसके साथ शेयर भी करेंगे। कई बार ये होता है कि जैसे हमने किसी मेड को रखा भी तो हमारा उसके साथ जो भागीदारी होता है उसमें संबंध का भाव कम रह जाता है, या संबंध को लेकर हम भागीदारी कम करते हैं। जैसे कोई मेड आ रही है तो हम उसके साथ बैठ के बात भी करें, थोड़ा हालचाल पूछें, घर में क्या चल रहा है, अगर घर में कुछ सहयोग की जरूरत है, तो जरूरी कि आर्थिक ही हो, है ना, तो हम सहयोग को भी कर सकते हैं। तो ये जो एक परिवार के साथ या संबंध के भाव के साथ जुड़ना है वो कई बार शेष रह जाता है। हमको तो लगता है हम इस व्यक्ति को इतना पुरस्कार देते हैं, इसको आना चाहिए, इतना काम करके जाना चाहिए, ये काम है। कई बार उस काम को करते हुए हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं रहता, अगले की मजबूरी है तो करता रहता है, फिर उसे लगता है कि भाई ठीक है, व्यवहार तो ठीक नहीं है बट सुविधा तो मिल रही है। तो इन सब चीजों में देखें तो एक संबंध का भाव भी चला जाता है। देखिए, एक संभावना ये भी है कि आपके परिवार में कोई जरूरत बने और व्यक्ति कहे कि इसको मैं पूरा कर सकता हूँ, इस प्रकार से पूरा कर सकता हूँ, आपको घर से कोई चिट्ठी ड्रॉप करनी है, घर के रास्ते में उसके पोस्ट ऑफिस आता है, कहता लाइए हम दे दीजिए, हम ड्रॉप कर देंगे उसको, मेरे लिए छोटा काम है, आपको ऑफिस से लौट के आना पड़ेगा, तो जी ये भी स्थिति बन सकती है। तो अभी हमें ये भी देखना है कि अगर हम एक मेड के साथ निर्वाह भी कर रहे हैं तो हमारा भाव कैसा है, क्या संबंध का भाव पहुंच रहा है कि नहीं, और क्या हम अपने परिवार में भी समृद्धि का ठीक से आकलन कर पा रहे हैं कि नहीं, उस परिवार में भी समृद्धि कैसे हो, कम से कम उसके लिए हम अपनी भागीदारी को देख पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जो पूरी एक बात है ना, समुद्र व्यवस्था को देख पाना, उसके साथ ही हो पाता है। यहाँ अब पे अगर सर कोई व्यक्ति में, जी मैं पूरा कर देता हूँ, अगर किसी व्यक्ति में अयोग्यता दिखती है जी तो और अस्पष्ट हो जाता है तो हम फिर न लगे, ऐसा हो सकता है कि किसी का अभ्यास ही हो, है ना, उसने बहुत गहरा संस्कार बना हुआ है,
तो हम फिर मना कर देंगे, दूसरे व्यक्ति को रख लेंगे। परंतु हमको ये दिखता है कि चाहना सबकी ठीक है, अगर किसी की योग्यता में इतनी कमी है तो उसके अनुसार निर्णय लेंगे, बट हमको उसका कारण भी समझ में आता है। जी, संबंध का अभाव तो था, क्योंकि वो जैसे मॉर्निंग में आती थी उनकी मेड, तो मम्मी जब ब्रेकफास्ट बना रहे हैं या कुछ भी है तो हम उनको चाय और ब्रेकफास्ट देना, कोई भी होता था, मैं हूँ या बच्चे हैं, तो मस्ट है कि हम उनको देंगे। और कभी उन्हें पैसे की जरूरत हुई मांग लेते थे, दे देते थे। तो इस वजह से शायद शौक लगा कि सब जरूरतें उनकी पूरी करने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे किया। हाँ, तो अगर हम संबंध का निर्वाह ठीक करते रहे और दूसरे में योग्यता कमी एक सीमा से ज्यादा है तो निर्णय लेंगे, फिर मना कर देंगे। ये केस जो आपने बताया, बट कोई दूसरा केस भी हो सकता है, बहुत सारे क्राइम्स भी हो जाते हैं, है ना। कई बार जो घर में काम करने वाले लोग हैं वो कुछ ऐसी सूचना देते हैं बाहर कि घर में क्राइम हो जाते हैं, या वो खुद भी कर देते हैं। तो योग्यता की कमी तो हो ही सकती है, हम उसके अनुरूप निर्णय लेंगे। तो हम अपनी योग्यता का भी आकलन करेंगे, है ना, हम दूसरे की योग्यता का भी आकलन करेंगे जी। कि नहीं, देखिए अभी मतलब मैं इन जनरल कह रहा हूँ, तभी हम जो परिवार में इतना सारा संग्रह कर लेते हैं, ठीक, और हमको लगता है भाई मैं कमा रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, किसी को क्या समस्या है। यही समस्या है कि मैं जो कमा रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, रख रहा हूँ, वो प्रकृति से ही आ रहा है, उसको समाज के लोग भी उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम जिस विधि से कमा रहे हैं वो भी क्वेश्चनेबल हो सकता है, जो अभी बहुत स्पष्ट रूप से हमको नहीं दिखता। तो हम किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक, और हमको लगता है भाई मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, कंपनी सैलरी देती है और मैं उसको पूरा करता हूँ, बट कंपनी को देखिए तो कैसे कमा रहे हैं। हो सकता है कि समाज के बहुत सारे लोगों को सुविधा विहीन बनाकर अपने लिए धन संग्रह कर रहा है, किसानों का, है ना, मजदूरों का, इत्यादि इत्यादि हो सकता है उसमें। तो हमें तो पूरे साइकिल को देखना होगा, इसलिए मानव लक्ष्य की बात हो रही है कि अगर मुझे मानव लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मैं अपने अंदर समाधान के लिए काम करता हूँ, हर व्यक्ति में समाधान के लिए काम करता हूँ, अपने परिवार में समृद्धि को ठीक से मूल्यांकित करता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ, और हर परिवार में समृद्धि के लिए काम करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मुझे लाखों की सैलरी मिलती है तो, है ना, मैं उसको चाहे जैसे प्रयोग करूँ, वो लाखों की सैलरी लेने के लिए कंपनी क्या काम कर रही है ये भी देखना होगा कि नहीं, और हमें आवश्यकता भी है कि नहीं इतने पैसों की। अभी हम क्यों हर 6 महीने पे सोफा बदल रहे हैं इन जनरल, है ना, क्यों हम घर के पेंटिंग बदल रहे हैं, क्यों हम घर के सामान बदल रहे हैं, क्यों हम इतना सारा जुटा रहे हैं। अभी शहरों में ये देखने में आ रहा है कि लोगों ने 2 BHK फ्लैट ले लिया, ठीक, अपने आमदनी के हिसाब से, और उसमें इतना सारा सामान भर लिया, चलने तक का जगह नहीं जी। क्यों भर लिया भाई इतना सारा सामान, ठीक। अब फिर आप मेड को बुलाइए और कहिए कि सब सामान को ठीक से रखो, कोई गिरना टूटना नहीं चाहिए, बचा के झाड़ू पोछा लगाओ, ठीक, और उसको दिख रहा है कि काहे को भर लिया इतना सारा सामान तो उठा के ले चलो तो ये भी हो सकता है जी। तो हम अपनी योग्यता का भी आकलन करेंगे, दूसरे की योग्यता का भी आकलन करेंगे, निर्णय भी लेंगे उस अनुरूप, अगर योग्यता में बहुत कमी है, बट हमको चाहना पे कोई शंका नहीं होती। भैया बस वो मुझे ये लग रहा था कि मैं अब जैसे नई कोई मेड आती हूँ, मैं उसके साथ संबंध का भाव नहीं बना पाती हूँ, वही कहीं चाहना पे शंका हो गई है जी जी, इसको मैं कैसे ठीक करूँ। यही वर्कशॉप करिए, सुबह का 17 अटेंड करिए अभी हम लोग अगले स्टेप 6 पे जब बात करेंगे तो और क्लियर होगा। तो स्टेप 5 में हमने देखा कि स्वयं में सही समझ, सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए और उसके आधार पर सुख को सुनिश्चित करने के लिए सही समझ की आवश्यकता है। तो 6A में ये बात कह रहे हैं कि यह समझना आवश्यक है कि हमारे लिए कौन सा भाव सहज है, हम किन भावों की निरंतरता चाहते हैं। स्वयं से पूछकर देखें मुझे कौन सा भाव सहज स्वीकार है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, संगीत अर्थात व्यवस्था का भाव या अंतर विरोध अव्यवस्था का भाव, सहसित्व का भाव या संघर्ष का भाव। तो हम देख पाते हैं कि संबंध का भाव, संगीत अथवा व्यवस्था का भाव, सहसित्व का भाव हमारे लिए सहज है, इन्हीं हम भावों की निरंतरता चाहते हैं। तो ये अपने आप में पूछना है। अब देखिए ओवरऑल तो आप कह देंगे कि हाँ संबंध का भाव, संगीत का भाव, सहसित्व का भाव, है ना, ओवरऑल तो हम कह देते हैं, बट करने का काम ये है जो आज हम लोग असाइनमेंट ग्रुप में भी करेंगे कि जब भी हमारा भाव बिगड़ रहा है उस क्षण अपने आप से पूछ कर देखना है इस व्यक्ति के प्रति इस क्षण में मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार है। किसी को लेकर इरिटेशन हो रहा है, किसी ने कोई बात कह दी है, किसी ने कोई गलती
गलत व्यवहार कर दिया है, किसी ने आपके बारे में किसी को आपके बात कह दी है, किसी ने आपकी बात नहीं मानी है, किसी ने आपकी परेशानी खड़ा करने के लिए ही कोई उपाय कर दिया है और आप इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप उस क्षण में अपने आप से पूछ के देखिए। अभी तो हम लोग कह देंगे कि हाँ, संबंध का भाव स्वीकार होता है ना कि विरोध का, संगीत का भाव ना कि है ना अंतर विरोध का व्यवस्था का, बट उस समय आप अपने आप से पूछ के देखिए, जब आप इरिटेट हो रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, है ना, अनकंफर्टेबल हैं, उस व्यक्ति को लेकर उस परिस्थिति में उस क्षण में कौन सा भाव आपको सहज से स्वीकार होता है। तो अब हम पाएंगे, तो आप पाएंगे कि शब्द हमारे लिए परिचित है, हम लोग इस बात को बार बार कहते रहे, संबंध व्यवस्था से अस्तित्व, कई बार हम इन तीनों शब्द को एक सुर में बोल जाते हैं, है ना, बट अपने आप में काफी गहराई और विस्तार है इनका। तो एक काम ने किया था कि अपने गहरे संस्कारों को देखने का प्रयास किया था, अब हमको ये काम करना है उस क्षण में जहां पे हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, असहज हो रहे हैं, हमारी स्थिति दुखद बन रही है ना, मुझे अपने आप से पूछना है कि इस क्षण में मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार है, संबंध का या विरोध का। और उसको देखिए, आप पाएंगे कि उसपे अगर विरोध बन गया है और फैल रहा है तो अपने आप से पूछना भारी पड़ता है, और यदि आपने अपने आप से पूछ लिया और देख लिया तो फिर विरोध का भाव ढोना भारी पड़ेगा आपको। नहीं, ये काम अपने को आज करना है, ये काम ठीक है। तो जिस क्षण में आपके अंदर कोई आवेश उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, गुस्सा है, इरिटेशन है ना, परेशानी है, चाहे व्यवहार के समय या बैठे बैठे सोचते हुए, तो हमको उस परिस्थिति में उस क्षण में उस व्यक्ति के प्रति अपने आप से पूछना है कि संबंध का भाव स्वीकार होता है कि विरोध का भाव, सहज रूप से क्या स्वीकार हो रहा है। फिर आपके बहुत सारे नए प्रश्न बनेंगे, है ना। तो एक संबंध के भाव से शुरू करते हैं, फिर उसको आगे आप ये भी देख सकते हैं कि व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, तो चाहे जड़ इकाइयों के साथ की बात हो या फिर परिवार की व्यवस्था को लेकर बात हो, समाज की व्यवस्था को लेकर बात हो, तो आप देख सकते हैं अपने आप में कौन सा भाव स्वीकार होता है। वैसे सहस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव, व्यवस्था और सहस्तित्व को लेकर अपने को और विस्तार से बात करना होगा, संबंध को तो हम जांच पाते हैं। अब जैसे सहस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव कहें, तो कई बार हम सहस्तित्व को मान लेते हैं, एडजस्ट कर लेना, हाँ भाई ठीक है, जैसा दूसरा कर रहा है उसे एडजस्ट कर लो, ठीक, तो हमको लगता है यही सहस्तित्व है, सहस्तित्व यही नहीं है। जैसा भी मदन भैया शेयर कर रहे थे, तो जैसा भी है उसको एडजस्ट कर लिया हमने, सीनियर के लिए सीनियर के जैसा कर लिया, बच्चों के साथ बच्चों जैसा कर लिया, और हम उसी को सहस्तित्व मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। सहस्तित्व का भाव तो मतलब ये हुआ कि हमें शून्य में संपृक्त प्रकृति का भाव बन रहा है, या हमें कहीं उस पर शंका हो रही है, हमें अस्तित्व के होने पे, अस्तित्व के नियम पे, अस्तित्व की व्यवस्था पे शंका हो रही है, तो हमारे अंदर फिर वो जो भाव जगता है उसको संघर्ष का भाव कह रहे हैं। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। अस्तित्व का भाव कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट का भाव नहीं है, तो जैसा ही बात हुई, संपृक्तता को देखने का भाव है। तो खैर उससे आगे हम लोग काम करेंगे, उसके थोड़ा सा और तैयारी चाहिए, पर संबंध के भाव से शुरू करते हैं। तो करने का काम ये है, अब एक अब थोड़ा हम लोग तेजी से भी चल रहे हैं, दो दो दिन में एक एक दिन में हम लोग कुछ बात रख ले रहे हैं। अब अपने मान्यताओं को ही देख पाने में आपको एक लंबा समय लग सकता है ना, कुछ मान्यताएं पहले दिख जाएंगी, संस्कार कुछ पहले दिख जाएंगे, कुछ संस्कार कहिए बने रहते हैं, हम उसको देख भी नहीं पाते हैं, गहरे गहरे संस्कार कई कई वर्षों तक छूटते नहीं है। तो उसका समाधान क्या है कि हम जाके देखना शुरू करें अपने आप में कि है ना, हमें भाव कौन सा स्वीकार होता है, संबंध का विरोध का। अगर ये भाव स्पष्ट हो गया तो वहां जो संस्कार हमारा बना हुआ है वो छूट जाएगा या ढीला पड़ जाएगा, तो ये काम अपने को आज करना होगा। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी जैसे समाज में या कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पे भी आपको साथ, मतलब समाज में आपको लगता है कभी कभी आप आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन आप अच्छा करना चाहते हो, उसी का अपोजिट जो आपके साथ नहीं हुआ आप लोगों के साथ नहीं करना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो उसी दिशा में। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्लोइटेशन हो रही है, आपने देखा आपके साथ भी हुआ, लेकिन आप चाहते हो कि मैं भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करूं जहां लोगों को हेल्प करूं और समाज को हेल्प करूं, तो ये भावना क्या है उसको हम आपकी आवाज थोड़ी कट जा रही है, बट मुझे लगता है मुझे बात आपके स्पष्ट हो गई है, तो मैं उसको ब्रीफ में रिस्पॉन्स दे दूं। तो देखिए, एक तो जहाँ पे
विरोध है, अव्यवस्था है, संघर्ष है किसी संस्था में, ठीक है ना, तो उसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करेंगे, मूल्यांकित करेंगे, हमको दिखता है कि इंटेंशन वाइज ये सब लोग ठीक है बट कॉम्पिटेंस की कमी है। अब इनकी कॉम्पिटेंस कैसे बढ़ाया जाए ये मुद्दा है। एक तरीका तो ये है कि हम उनके साथ इन मुद्दों को लेकर चर्चा करें, तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कशॉप कंडक्ट करना शुरू करें, लोगों को सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में ले आए ताकि लोग खुद में जांच परख पाए, तो सही प्रपोजल चला जाए, लोग अपने आप में जांचें जी कर देखें। तो अगर इस विधि से हम चलते हैं तो संस्था में परिमार्जन हो सकता है, सस्टेनेबल चेंज आ सकता है, क्वाइट पॉसिबल है ना, कोई बहुत दूर की बात नहीं। अभी जितने कॉलेजेज में ये वस्तु ठीक से जा पा रही है, जहाँ फैकल्टी ठीक से डेवलप हो पा रहे हैं, वहाँ इस तरह का परिवर्तन परिमार्जन देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, हर जगह पॉसिबल है। जेल के कैदियों में भी अगर परिवर्तन हो सकता है ना, तो समाज में जो संस्था चलाने वाले लोग हैं उनमें क्यों नहीं हो सकता। कभी ऐसा लग सकता है कि इसी संस्था में बैठ कर यदि मैं प्रस्ताव रखता हूँ तो लोग, अगर कोई ऐसी मान्यता बनी हुई है कि आप खुद एक संस्था चलाओगे तो आपको हमारी मजबूरियां समझ में आएंगी, है ना, हमें क्यों ये सब गलत करना पड़ता है, तो वहां पे हम उनके ध्यान आकर्षण के लिए कोई एक नई संस्था शुरू कर सकते हैं जिसको हम अच्छे ढंग से चला के एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। ये भी एक विधि, ये भी एक ऑप्शन तो है, हम अगर इसको कर रहे हैं तो समाज में सब गलत लोग हैं और ये बदमाश लोग हैं और मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो इसमें काफी संभावना है कि जब आप इस नए संस्था को शुरू करेंगे और उस पर काम करेंगे तो अगर आपने उनका मूल्यांकन ठीक से नहीं किया तो आप तो उन्हीं जगहों पे जाकर उलझ जाएंगे, है ना, काफी संभव है। कई बार ये होता है कि हमको लगता है भाई सरकार करप्ट है तो हमको अपनी नई सरकार बनानी है, बट सरकार में जो करप्शन चल रहा है उसका कारणों को अगर हम ना समझें तो हम नई सरकार बनाते हैं और फिर हमको वही सब करना पड़ता है, और फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए हो सकता है हमको और ज्यादा गलत अभ्यास बनाने पड़े। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं वर्ल्ड ओवर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं। एक समय लग रहा था कि भाई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो लोगों का शोषण करती है, विद्रोह हुए और बहुत जगहों पे कम्युनिस्ट सरकारें बनी, और आज के दिन आप देखिए कम्युनिस्ट सरकारें कैसा काम कर रही हैं, कितना शोषण अत्याचार संग्रह कर रही हैं। तो हम कोई विकल्प भी खड़ा करने जा रहे हैं तो पहले तो जो चल रहा है उसका हम सही आकलन करें और विकल्प हमको संपूर्णता में दिखाई दे। हमको दिखता है कि अल्टीमेटली विकल्प समझ विकसित करना है, कोई संस्था बना देना, सरकार तैयार कर देना, है ना, नया बाजार बना देना, ये अपने आप में विकल्प नहीं है। ऐसा करते हैं हम लोग, अभी 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को, तो जो अभी बात हुई तो अभी हम 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं और अपने भाव को देखते हैं, और यदि भाव में कुछ भी ऐसा आ रहा है जो हमें परेशान कर रहा है, उद्वेलित कर रहा है, तो वहाँ पे देखें कि इस व्यक्ति के साथ हमें इस क्षण में संबंध का भाव स्वीकार हो रहा है या विरोध का, कोई जड़ वस्तु की बात हो रही है तो वहाँ पे भी हम देख लेंगे कि व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, यानी पूरकता का भाव या उससे कहीं दुरुपयोग का भाव, तो अपने आप में देखेंगे इसको हम लोग। अभी 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं। पिछले 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन से यदि कोई प्रश्न बने हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया, हम लोग जो अभी अभ्यास कर रहे हैं तो आज के लिए मेरा एक प्रश्न उठता है। अभी जो सेल्फ टू सेल्फ अपन देख रहे हैं, जैसे कल भी मैंने आपने बताया ट्रैवलिंग में हूँ तो कहीं मैं बाहर आया हूँ, तो जी भैया अभी कुछ देर पहले जो डिस्कशन हुआ, हमारी मान्यताएं बदलते रहती है तो संस्कार भी बदलते रहते क्या, तो इससे थोड़ा समय फर्क जानना चाहता हूँ कि जैसा जूनियर है तो हमको मान्यता है कि उसको डांटना चाहिए, लेकिन सीनियर अगर है तो हमारी ये मान्यता है कि नहीं नहीं वो जो भी बोलता है वो सुन लेना चाहिए। तो ऐसे ही ये तो हमारे सेल्फ के ऊपर ही हो रहा है, तो ऐसे ही संस्कार भी हमारे बचपन में जो हुए है वो भी आगे बदलते रहते कि नहीं बदलते, थोड़ा सा इस पे विश्लेषण करेंगे भैया। जी भैया, तो ये जो आपने उदाहरण दिया ये संस्कार बदलने का उदाहरण नहीं है, ये तो बना हुआ ठोस संस्कार ही है कि जो हमसे ऊपर बैठे हुए हैं उनके लिए हमने कुछ एक मान्यता बना ली है, वो मान्यता बनी हुई है, जो हमसे छोटे हैं या हमारे कार्य करने के स्थल पे हमसे नीचे काम कर रहे हैं उनके लिए हमने एक तरह की मान्यता बना ली है और वो बना हुआ है,
ये तो मान जो आपने बताया वो मान्यता बदलने का उदाहरण नहीं है। तो मान्यता बदल सकती हैं, बदलती हैं, वो तो ठीक है, बट ये जो भिन्न भिन्न संबंधों में भिन्न भिन्न ढंग से हम मान्यता बना लेते हैं, वो हम बना के रखते हैं लंबे समय तक। हाँ, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार करो, तो अब ये भी एक मान्यता बन गई, तो सबका सम्मान करो जी भैया, है ना। तो कई बार हम कहते हैं छोटों को प्यार करो, तो हम उसका सम्मान भी कर पा रहे हैं कि नहीं, छोटे बच्चे का ये इम्पोर्टेंट है, तो हम कहते थे छोटों को प्यार करो, छोटा हमारे साथ नहीं चला तो उसको चपत भी लगा देते हैं। हाँ 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 जी जी, जी। मारते भी देते हैं लेकिन ये बड़े के साथ नहीं कर सकते कभी। सहज रूप से जो स्वीकार है वो तो ये कि सबका सम्मान करे जी भैया, है ना, बट मान्यता कुछ और बना ली है। वैसे ही हमने ये मान्यता बना ली है कि जो हमसे ऊपर बैठा हुआ अधिकारी है तो हर बात में हाँ कहनी है, ठीक, और जो नीचे बैठा हुआ अधिकारी है अगर उसने कोई सही बात भी कह दी तो वैसा का वैसा मान नहीं लेना, अदरवाइज मैं छोटा हो जाऊंगा, उसकी हाँ, बात हाँ। को पहले काटना है, बदलना है, भले वही बात फिर दोबारा कहनी है। जी जी बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा सब गलत है यार, तुमको कुछ नहीं आता है, हम वही जी, और फिर उसको भले ही उसकी बात सही थी लागू वही करना है, बट सीरियसली थोड़ी देर बाद हम वही लागू करते हैं, थोड़ी देर बाद हम ये बात है, जैसे हम छोटे हैं तो हम पता करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, लेकिन शुरू में तो सब उसको गलत बोलते हैं। जी भैया जी, तो होता है कि हमने माना हुआ है कि अगर हम अपने से नीचे के अधिकारी की बात को यथावत मान लेते हैं तो मेरा सम्मान कम हो जाता है, ये गहरी मान्यता है। ये संस्कार रूप में बना हुआ हो सकता है, ये वर्षों तक बना रहेगा, जितने दिन तक जॉब में रहे 40 साल ये संस्कार हमारा बना रहा, पॉसिबल है जी भैया। हाँ, तो मतलब जो हमारी गहरी मान्यता है उसी को ही हम संस्कार बोलेंगे, नंबर एक। हाँ बराबर, तो हमारी मान्यता तो बदलती रहती है ना, मतलब हाँ, बदल भी सकती है, बदल भी सकती है, जैसे कई सारे उदाहरण हम लोग लिए थे कि भाई माँ बाप के दबाव में एक, हाँ बोलिए, हाँ एक मिनट सुन लीजिए उसको, जैसे घर पर एक मान्यता थी कि माँ बाप के दबाव में हमने मान लिया था कि सुबह उठना चाहिए, सुबह उठने लगे, हॉस्टल में आ गए, अब माँ बाप का दबाव रहा नहीं, तो हमने मान्यता बना ली जो मन में आए वो करना चाहिए जी जी, तो अब सुबह भी नहीं उठ रहे हैं, देर से सो रहे हैं, है ना, उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो मान्यता बदल गई, पहले था कि नहीं पौष्टिक खाओ, समय से सोना है, समय से उठना है, अब एक अलग तरह की मान्यता बन गई, है ना, तो ये पॉसिबल है, परंतु मान्यता कहाँ बदल रही है कहाँ नहीं बदल रही है इसको हमको ठीक से ऑब्जर्व करना होगा। तो एक व्यक्ति के साथ एक तरह की मान्यता, दूसरे से दूसरे तरह की मान्यता, ये मान्यता बदलने का अर्थ नहीं हुआ, उसी व्यक्ति के साथ या शरीर के साथ, है ना, हमारे जो भाव में विचार में परिवर्तन आ गया उसके पीछे हमने जो मान्यता बदल ली उसको बदलना कह रहे जी जी जी, जी। तो ये मान्यता होगी, मैं मेरा जो डिस्कशन शुरू करें, मेरा क्वेश्चन ही यही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मान्यता एंड संस्कार, आर दे सेम आर दे डिफरेंट, अभी सेम ही लेकर चले, सेम ही कह रहे हैं उसको, अगर इसको सेम लेके चलते हैं तो मेरा सेल्फ वही है और मेरी मान्यता भी वही है, तो जो मैंने बचपन में पढ़ा है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों को प्यार करना चाहिए, ये मेरा हमेशा चलता रहे, बराबर है ना भैया जी? नहीं, तो अगर हमने समझा नहीं है तो बड़ों के सामने तो हम भले ही अदब से बात करते हैं और अंदर अंदर चार गालियां दे जाते हैं, तो कहाँ सम्मान रहा जी, तो जी, बड़ों जी, का सम्मान करना चाहिए, ये वाक्य से तो हमारे अंदर सम्मान का भाव सुनिश्चित नहीं होगा, सम्मान का भाव तो सम्मान को समझने से ही सुनिश्चित होगा। लेकिन अगर मैं ये मान लूं, मैं थोड़ा सा अपना खुद के बारे में बात करता हूँ, कि मेरा ये मेरे ऊपर ये संस्कार है या मेरी मान्यता बन गई है सभी, कि बड़े जो बोल रहे हैं वो भले ही कैसा भी हो, तो मेरे मन ही मन में जो हम 10 मिनट का जो हम कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि मेरे जो बॉस है या मेरे जो बड़े है या मेरे जो सीनियर है या मेरे जो माँ बाप है उनका मानना ही सही है, उनको बिल्कुल मन ही मन में मेरे मन में गाली नहीं आती है, तो क्या मैं ये अच्छी बात समझूं, मतलब मेरे संस्कार अच्छे डेवलप हो रहे हैं? हमारे अंदर कोई अपशब्द नहीं आता, अच्छी बात है, बट उनका कहना मानना ही है ना, ये भी ठीक नहीं है, अगर वो हमें कह रहे हैं समाज का शोषण करो तो हम क्यों मान लेंगे, हाँ नहीं नहीं लेकिन तो हम अपशब्द नहीं बोलेंगे अपने अंदर, बट हम मान भी क्यों लेंगे कि समाज का क्यों शोषण करें, है ना, यदि माँ पिता सिखाएं कि आपको खूब सुविधा संग्रह करना है हम क्यों मान लेंगे, हमारा बॉस कहे कि तुमको चलाकी करके प्रमोशन ले लेना है हम क्यों मान लेंगे, बराबर नहीं मानेंगे जी, तो इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, आज करने के लिए काम ये है कि जिस भी क्षण में हम किसी व्यक्ति को लेकर उसके साथ संबंध में इरिटेट हो रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, तो उस पॉइंट पे जाके देखना है कि मुझे इस क्षण में कौन सा भाव स्वीकार है, और ये काफी एक इम्पोर्टेंट टास्क है, अगर आप इसको ठीक से करेंगे ना
तो ये वो क्षण होते हैं जहाँ पे हम अपने संस्कारों को बारीकी से ऑब्जर्व कर पाते हैं और अपनी सहस्वीकृति को भी देख पाते हैं। ओवरऑल तो हम एक पासिंग स्टेटमेंट देते हैं, हाँ हाँ संबंध का भाव स्वीकार है, विरोध का भाव स्वीकार नहीं है, व्यवस्था का स्वीकार है, अव्यवस्था का स्वीकार नहीं। एक तो हम ये समरीली एक ऊपर से हम स्टेटमेंट एक पासिंग स्टेटमेंट तो देते हैं कि हाँ भाई एक तो बात ठीक है, तो सब बात सही है, सब अच्छी बातें हैं। परंतु जब जीने की बारी आती है और जिस क्षण में हम उलझे होते हैं कि संबंध में, उस समय अपने आप ये देख पाना कि मुझे संबंध का भाव ही स्वीकार है, विरोध का नहीं, ये महत्वपूर्ण काम है। तो स्टेप सिक्स में हम लोग ये काम करेंगे, पहले पूछने से शुरू करेंगे कि पहले देखें स्वीकार क्या है। संबंध को, व्यवस्था को, सहस्तित्व को, तो पहले वो सिक्स ए को अगर हम लोग पूरा कर पाते हैं ठीक से, अगर हमें दिख जाए, मानना नहीं वहां कि नहीं नहीं है ना यही बातें हो रही है, मैं विरोध का भाव क्यों ढूंढूं अपने अंदर, विरोध नहीं संबंध ठीक है, मुझे अपने भाव को बदलना है ना ये भाव ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, ये तो फिर कुछ मान्यता हो, फिर कुछ आरोपित करना, थोपना हो गया अपने ऊपर, चाहिए नहीं चाहिए वाली बात हो गई। यहाँ सिक्स ए में ये कह रहे हैं कि अपने आप से पूछ के देखें, उसमें एक घंटा लगा दें, 10 घंटा लगा दें, 10 दिन लगा दें, बट पूछते रहें अपने आप से, ठीक वो करने का काम है। तो पहले हम सिक्स ए में सेटल हो जाएं, हम अपने आप से पूछ पाएं कि हाँ मुझे संबंध का भाव ही स्वीकार है, विरोध का नहीं, फिर सिक्स बी पे काम करेंगे कि अगर संबंध का भाव स्वीकार है तो संबंध को समझना है, व्यवस्था का भाव स्वीकार है तो व्यवस्था को समझना है। तो सिक्स ए वाले काम को जितना हम ठीक से करेंगे उसमें हड़बड़ी ना करें, कहीं पे भी आरोपित नहीं करना है कि संबंध का भाव ही रखना चाहिए, संबंध का भाव ही अच्छा होता है, ये भाव मेरा बुरा है, ऐसा नहीं, पूछना है अपने आप से। तो जो हम लोग डे वन से बात करते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी कहते हैं कि मुझे कौन सा भाव स्वीकार है, संबंध का या विरोध का, हम सहमत तो हो जाते हैं संबंध का, परंतु जीने में वो भाव बना नहीं रहता। क्यों नहीं बना रहता? क्योंकि इस बारीकी के साथ हमने देखा नहीं जो हम अभी सिक्स ए में करने का काम कर रहे हैं, इस बारीकी के साथ देखा नहीं। और इस बारीकी के साथ अगर हम एक देखने का अभ्यास बनाए तो कहीं पे भी जैसे ही हमारे अंदर रिएक्शन शुरू होगा हम बैठ जाएंगे, पूछेंगे अपने आप से, समय लगाएंगे, हो सकता है हमारा रिस्पांस टाइम बढ़ जाए उसमें, बट ये भी अगर निर्णय हो जाए कि नहीं पहले इसको सेटल करो तब आगे रिएक्ट या रिस्पॉन्स जो भी करना है उसको तय करेंगे, पहले इसको सेटल करना है, इसको अपने आप में देखेंगे कौन सा भाव स्वीकार होता है, समय लगाएंगे, हो सकता है बाकी कामों को एक तरफ रख के पहले इस पे ही समय लगाएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। इन्हीं स्टेप्स में अपने अंदर परिमार्जन शुरू होता है, जहां ब्लॉक बी वन में एक तरह से अपनी तैयारी ठीक से कर पाते हैं ताकि वो चिंतन में आए भाव, है ना, ये तैयारी है जो इच्छा के स्तर पे होना है। तो अगर ये हमको वहां उस क्षण में पूछ के दिख जाए और स्पष्ट रूप से दिख जाए, आप पाएंगे आपके पूरे भाव में, विचार में परिवर्तन होता है, आपके शरीर पे प्रभाव पड़ता है, आपकी आंखों पे, आपके ब्लड सर्कुलेशन पे प्रभाव पड़ जाएगा, पूरे आपके शरीर के, है ना, अंग अंग पे प्रभाव पड़ जाएगा। अगर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाए कि देखो, है ना, संबंध का भाव स्वीकार है और मैं विरोध का भाव हो रहा था, तो इसको अपने आप में करना है ना, इसको हम अभ्यास को बना के रखें। फिर स्टेप सिक्स बी में हम इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि हाँ मुझे संबंध के भाव को सुनिश्चित करना है, और ये कोई चाहिए वाली बात यहाँ भी नहीं है, ये भी कोई आरोपित नहीं कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, मानव चेतना की जो हम बात कर रहे हैं तो इससे कम में काम नहीं चलेगा। और उस विरोध को ढोते हुए हम कितने दिन तक दुखी रहे, परेशान रहे, कितना ढो रहे हैं अपने अंदर हम, क्योंकि इस बारीकी के साथ जाके हमने उस क्षण में अपने आप से पूछा ही नहीं, ऊपर ऊपर चलता रहा मामला। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबा समय लगा कर भी हमारी स्थिति ओवरऑल वैसी बनी हुई है, भाव वैसे बिगड़ते हैं, विचार में वही अंतर विरोध तैयार हो जाता है, संवेदना का प्रभाव बना ही रहता है, और हम एक लंबे समय से लग रहा है हम अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, वर्कशॉप ही ले रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, है ना, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, परंतु वो गुणात्मक परिवर्तन नहीं दिख रहा। तो इसलिए क्योंकि उन बारीक क्षणों में जाकर हम ठीक से अपने आप को पूछ नहीं पाते, उसको करने का काम है, उसको अपने आप में सुनिश्चित करना है। संबंध और संबंध में अपनी भागीदारी के चिंतन की आवश्यकता है, संगीत अथवा व्यवस्था के बोध की आवश्यकता है, सहस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है। ये जब हम इसको देखने जाएंगे संबंध को, तो कहाँ दिखेगा, चिंतन में दिखाई देगा,
व्यवस्था कहाँ दिखाई देगी, बोध में दिखाई देगी, सबसे अनुभव में दिखाई देगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही क्षण में पूरा का पूरा संबंध का भाव सुनिश्चित हो जाएगा, पूरी की पूरी चिंतन क्रिया जागृत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इन भावों को भी अगर हम विस्तार में देखने जाएं, जो नौ भावों की हमने बात की, विश्वास के भाव की बात की, मौलिक भाव तो विश्वास है। अभी उसको ही ठीक से अपने आप में देख पाने में, यानी कि अगर हम अपने आप से पूछते हैं इस क्षण में मुझे संबंध का भाव स्वीकार है कि विरोध का, और इस पर निर्णय पहुंचते हैं कि संबंध का, तो उसका अर्थ यही होता है कि हम इस बात को देख पाते हैं कि मैं इसको सुखी करना चाहता हूँ, इस व्यक्ति को, इसको मैं दुखी नहीं करना चाहता। देखिए भाव पे भी काम करने में समय लगेगा, बट अच्छी बात है एक बार हम उस क्रम में आ गए, उस प्रक्रिया में आ गए, तो काम अपने आप में चलता रहेगा, हमारा विकास उत्तर होता रहेगा। तो यही सब करने का काम है। जब कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी राइट अंडरस्टैंडिंग है, समझना ही नहीं है, सुविधा की आवश्यकता हमने पहचान ली, हो सकता है उसकी पूर्ति भी कर ली हमने, अब इतनी व्यवस्था बना ली हमने कि सुविधा की आवश्यकता पूर्ति होती रहेगी, ठीक। अब तो संबंध पे काम करना है, समझ पे काम करना है, ठीक से इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, देखें। तो आज असाइनमेंट के रूप में ये रहेगा, है ना, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है, संबंध से शुरू करें। 6A में जो बात कही जा रही है उससे हम शुरू करें। भैया भावों को लेकर के कुछ काम किया था, तो केवल इतना सा पूछना था कि हम अपने अंदर के भाव को सुनिश्चित कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरे के भाव को देख पाते हैं कि दूसरा हमसे जिस भाव जो भाव रखता है उस भाव के अनुसार संबंध निभा पाना, इसका निर्णय करने में कठिनाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देख पाए कि दूसरा जो हमसे भाव रख रहा है उसके अनुसार संबंध को निभाना उसके साथ, यहाँ कहीं लगता है कि उसका भाव ठीक नहीं है, तो फिर हमको या वहाँ हम कैसे काम करें, बस वहाँ पे थोड़ा पूछ। देखो इसका अगर भाव ठीक नहीं है तो उसके भाव का सही मूल्यांकन करेंगे, उसका अनुरूप निर्णय लेंगे। संबंध निभाने का मतलब ये भी नहीं है कि हम, है ना, उसकी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो उसका सही मूल्यांकन करेंगे और उसमें परिमार्जन कैसे हो उसके लिए काम करेंगे, उसके भाव में विचार में कैसे परिमार्जन हो, कैसे परिवर्तन हो उसके लिए। तो संबंध निभाने का मतलब ये नहीं कि हम उसके अनुरूप चलेंगे, उसमें जो भी निर्णय बनेगा करेंगे। अगर लगे कि सामयिक रूप से साथ न रहने से भी अगले परिमार्जन होगा तो सामयिक रूप से साथ में नहीं रहेंगे, साथ रहने से परिमार्जन होगा, साथ रहेंगे, है ना। एक प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं उसको बनाए रखने से परिमार्जन होगा तो बनाए रखेंगे, उसको बदलने से परिमार्जन होगा तो बदलेंगे। तो हमारे चाहना हमको स्पष्ट रहती है, अपनी भी और दूसरे की भी, उसकी योग्यता का आकलन करते हैं और उसके अनुरूप हम निर्णय लेते हैं। सही ढंग से संबंध निभाना ये है। जी भैया जी, परिवार में भी यही सबसे बड़ी जो समय है व्यवस्था, परिवार में भाव और संबंध का ही सबसे मेन रोल है, तो उसके बीच में थोड़ी ये डिफिकल्टी जाती है निर्णय लेकर के, है ना, ठीक है ना, उस पर ही तो अपने को काम करना है। जी सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।